नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी, उसका जो हमारा अध्याय है 12वां, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अध्याय ईदगाह। कल हमने भाग दो का अध्ययन किया था, जिसमें सभी बच्चे जो हैं और सभी जो गांव के लोग हैं वे अत्यंत आनंदित होते हैं ईदगाह जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता रहती है वो बालकों में रहती है। तो हर कोई जो है हर प्रकार से मेले में कुछ ना कुछ खरीद रहा है, लेकिन जो हामिद है, जो मुख्य पात्र है इसका, उसके पास में सिर्फ 3 पैसे हैं और वह कुछ नहीं खरीदता खाने पीने की वस्तुएं। लेकिन अंत में जब उसे एक लोहे की दुकान दिखती है तो वहाँ से वह चिमटा खरीद लेता है। बाकी उसके जो मित्र थे उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी हैं, खिलौने खरीदे हैं, झूले वगैरह लिए हैं उन्होंने, लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं किया, बल्कि यह एक चिमटा खरीदता है, वो भी किसके लिए, खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए। अब चिमटा खरीदने के बाद में अब इसके मित्रों द्वारा इसके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है और कैसे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उन्हीं बातों को आगे हम पढ़ रहे हैं भाग 3 के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा। अब देखिए मोहसिन हंसकर कह रहे हैं, सब आलोचना कर रहे हैं उसकी, और मोहसिन कहते हैं कि यह चिमटा क्यों ले क्या है, अरे पगला हो गया क्या तू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दूँ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएँ बच्चों की। अब देखिए किस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि जो है तर्क का प्रयोग कर रहा है यहाँ हामिद, कि अपना जो चिमटा है उसको श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने बिस्ती को जरा नीचे जमीन पे तो गिरा, जैसे मैंने अपने चिमटे को गिराया है, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। अब महमूद प्रश्न पूछ रहा उसे, तो हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अधिक किस प्रकार से अपनी तर्क शक्ति जो है, अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग कर रहा है हामिद यहाँ पे, इनके खिलौनों से भी श्रेष्ठ अपने आप जो चिमटा है उसको बता रहा है। वो कहता है कि अगर अपने कंधे पे रख लूँ मैं इसे तो ये बंदूक हो जाएगा, और हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, मंजीरा ही बना सकता हूँ इसका, और तुम्हारे खिलौनों पे एक चिमटा जमा दिया तो सारा खिलौनों की जान निकल जाएगी, अर्थात वो ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो तुम्हारे खिलौने चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी अहित नहीं कर सकते वो। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की हैं। अब देखिए उसने सिर्फ 3 पैसे खरीदे, लेकिन वो जो मंजरी जो है वो 2 आने की हैं, खंजरी जो है, लेकिन वो कहता है कि मेरी खंजरी लोगे क्या। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उपेक्षा कहते हैं तिरस्कार को, कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। अब खंजरी जो बनी होती है ना, तो धातु की होती है लोहे की, और उसके ऊपर चमड़ा लगा रहता है, तो कहते हैं कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डालेगा, बस एक चिमटे की चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। अब देखिए किस प्रकार से खिलौनों से, अन्य खिलौनों से यह है जो अपने चिमटे को खिलौना भी बता रहा है और साथ में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश भी कर रहा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, क्योंकि सभी ने तो पैसे खर्च कर लिए, फिर मेले से दूर निकल आई हैं और मेले से भी काफ़ी दूर आ गई हैं ये। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुँचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे, सभी सोच रहे हैं अभी हैं कि बड़ा बदमाश है, चालाक है ये, जो अपने पैसे बचा के रख लिए और ये अब चिमटा खरीद के हमें चिढ़ा रही है। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूर एक तरफ हैं, अकेला हामिद दूसरी तरफ है। शास्त्रार्थ हो रहा है, समी तो विधर्मी हो गया, विधर्मी मतलब कि जो समी, महमूद, नूरे और ये मोहसिन जो थे एक तरफ थे, लेकिन जब शास्त्रार्थ होने लगा तो
तो समी विधर्मी हो गया और दूसरे पक्ष से सजा मिला। अब दूसरा पक्ष कौन सा था? हामिद का था, तो हामिद के साथ में मिल गया जाके। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। फौलाद कहते हैं कि उसको कोई भी नष्ट नहीं कर पा रहे। वह अजय है, घातक है, अजय है, जिसको जीता नहीं जा सकता और हर प्रकार से घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुँह छिपा कर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्त में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखें निकाल लेगा। अब देखिए किस प्रकार से ये कह रहे हैं हामिद, जो अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई शेर अगर आ जाए ना, तो तुम्हारे जो बिस्ती हैं या जो सिपाही हैं या वकील हैं वो सब भाग जाएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन मेरा जो चिमटा वो डटा रहेगा और उसके शेर की गर्दन के ऊपर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब देखो मोहसिन के पास में बिस्ती था ना, इसलिए वो अपने बिस्ती की प्रशंसा करते हुए कह रहे कि तुम्हारा ये चिमटा जो है वो पानी तो नहीं भर सकता। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। देखिए अभी भी वो जो हामिद है ना, कुशाग्र बुद्धि होने के कारण हाजिर जवाब भी कह सकते हैं। तो उसने कहा कि बिस्ती को ये डांट लगाएगा, खड़ा कर दिया चिमटे को, फिर कहते हैं बिस्ती को जब डांट लगाएगा ना तो दौड़ा दौड़ा उसके घर के द्वार के आगे पानी छिड़क देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई। कुमुक का मतलब होता है कि अपनी बात जो है वो कहने लगा कटाक्षपूर्ण, अगर बच्चों पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। अब मोहसिन के पास, मोहसिन जो है वो कह रहे हैं कि वकील साहब के पैरों पड़ना पड़ेगा इसको अगर बच्चों पकड़ा गया तो। तो हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका और उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? अब क्योंकि उसके पास में, हामिद के पास में इसका कोई तर्क नहीं था, तो उसने मोहसिन से पूछा कि हमें पकड़ने आएगा कौन? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। तो हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्त में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। और देखिए अपने तर्क शक्ति से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से जो है तर्क देते हुए हामिद कहता है कि पकड़ेगा कौन इसको, रुस्त में हिंद है ये तो हमारा, और इसकी सूरत को देखकर सभी भाग जाएंगे, पकड़ेगा क्या बेचारा इसको कोई। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुँह है रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और बिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। अब ये लौंडियों जो शब्द है ना, ये देहाती शब्द है, लड़की के लिए प्रयोग किया जाता ही है। तो कहते हैं कि वो तो लड़कियों के समान जो है वकील है, सिपाही है, बिस्ती है ना, तो घर में घुस जाएंगे, या आग में कूदने वाले थोड़े ही हैं। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्त में हिंदी कर सकता है। अब देखिए बार बार ये रुस्त में हिंद कह रहे हैं कि एक प्रकार की उपाधि दे दी इसने कि जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। अब देखिए तर्क वितर्क हो रहे हैं आपस में। तो महमूद ने फिर कहा कि वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा जो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, बावर्ची खाना मतलब रसोई घर में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्ठे ने। अब पट्ठा उस लड़के के लिए कहा गया है, महमूद के लिए, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब देखिए उनका कानून वो उन्हीं को सिखा देगा जाके, ये मेरा जो चिमटा है बावर्ची खाने में थोड़ी रहेगा। तो बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। अब देखिए आपस में बच्चों में जब कोई बात नहीं सोचती ना तो एक दूसरे को गाली वगैरह निकालना प्रारंभ कर देते हैं, तो वही बाल मनो जो स्वाभाविक क्रिया है उसका वर्णन इसमें लेखक ने किया है कि जब बात कुछ नहीं बनी ना तो खासी जो गाली गलौज थी
कानून को पेट में डालने की वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकती रह गई, मानो कोई ढेलचा कनकुआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुँह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। अब कानून तो उसके बारे में बखान किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन पेट के अंदर डालने वाली जो बात है वो बेतुकी सी थी लेकिन फिर भी एक नयापन रखती थी। तो हर कोई जो है उस बात से प्रभावित हुआ। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। अब जो विजेता होता है ना, जो जीत जाता है तो उसको जितना आदर सत्कार प्राप्त होता है तो वैसा ही हामिद को मिलना था, ऐसा स्वाभाविक ही था। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके, लेकिन हामिद जो है उसने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा हाँ बरसों, यानी कि काफ़ी साल तक रहेगा चिमटा। तो संधि की सेहत की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, चिमटा दो, हम भी तो देखें, तुम हमारा भिश्ती देख लेकर देखो। जो पहले अपने खिलौनों को हाथ तक छूने तक नहीं दे रहे थे, देखने तक नहीं दे रहे थे ढंग से, तो अब मोहसिन वगैरह जो है ना, इन सभी ने अपना जो खिलौने वो देने प्रारंभ कर दिए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, हामिद विचार कर रहा है कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं ये। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है, अब बोले अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, सिक्का कहना कि उसकी जो छाप है ना, या उसका जो धाक कह सकते हैं चिमटे की, सभी में बैठ गई है। चिमटा हुआ टिकट, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है, मोहसिन कह रहा है अब। लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा, महमूद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। अब देखिए आपस में बातचीत करें कि मोहसिन कह रहा है कि हमें कोई दुआ तो नहीं देगा जो तुम्हें चिमटे के बदले में दुआएं मिलेंगी, और महमूद उसका कह रहा है कि तुम दुआ के लिए बात करते हो, मारना पड़े तो कहना। अम्मा कहेगी कि क्या तुम्हें मिट्टी के खिलौने मिले थे क्या वहाँ मेले में। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ जो है इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्त में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह हम। अब देखिए जो हामिद है वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि खिलौनों के लिए उनको कोई दुआ नहीं देने वाला था, किसी की जो माँ है वो खुश नहीं होने वाली थी, लेकिन चिमटे को देखकर उसकी दादी अवश्य खुश हो जाएगी क्योंकि तीन पैसे ही तो थे उसके पास में और तीन पैसे में उसको सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग से उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर अब तो चिमटा रुस्त में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। साझी मतलब केवल हामिद को दिया, पहले वो तीनों चारों इकट्ठे मिलकर खा रहे थे, महमूद नूरे सम्मी है ना ये सारे मोहसिन, लेकिन अब की बार क्या हुआ, उल्टा हो गया ये सिस्टम सारा कि महमूद ने केवल हामिद को ही साझी बनाया, उसके अन्यत्र अन्य मित्र जो मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब ये चिमटे के कारण से ऐसा हो रहा था, चिमटा जो है रुस्त में हिंद हो चुका था, सभी ने स्वीकार कर लिया था कि यह जो चिमटा है वो रुस्त में हिंद है। ये तो था इसमें दृश्य दो। अब तीसरा जो दृश्य इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब वे गांव में पहुंचते हैं तो कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और क्या होता है वहां पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो अध्याय है 12वां ईदगाह, तो उसका जो दृश्य 3 है उसकी ओर। अब ये गांव में पहुंचने वाले हैं, तो गांव में पहुंचने पर हलचल मच गई है, सब कुछ हो रहा है ना, उसी का वर्णन हम अब इसमें पढ़ रहे हैं दृश्य 3 में। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक सिधारे मतलब
कि वो टूट फूट गए हैं, गिर गए हैं वो। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाई। अब देखिए बिस्ती तो बेचारा धराशायी हो गया और उसकी वजह से मोहसिन और उसकी छोटी बहन की पिटाई भी हो गई है। एक तो बिस्ती टूट गया, जो खिलौना ले गए थे वो टूट गया है ना, और साथ ही साथ पिटाई हो गई। अब मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। अब देखिए किस प्रकार से बच्चे जो है ना, बच्चों में ये रहता है कि खिलौनों को रखते हैं जिस प्रकार की प्रतिष्ठा होती है उसके अनुसार। अब नूरे जो है, अब वकील साधारण स्थान पर तो बैठ नहीं सकता, नीचे ज़मीन पर तो नहीं बैठ सकता और किसी फट्टी वगैरह पे भी, ताक पे भी नहीं रख सकते। तो मर्यादा के अनुसार बिठाने का विचार किया। और देखिए फिर नूरे द्वारा क्या किया जा रहा है। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे रहते हैं। अब खस की टटिया कहते हैं कि जो पर्दे हैं, टटिया का मतलब है पर्दे, और बिजली के पंखे चलते रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? अब वो विचार कर रहा है नूरे जो है कि यहाँ मामूली पंखा भी नहीं होगा क्या? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा या, और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। अब स्वर्गलोक की जो आनंद उनको देना चाहते थे ना, इनकी हर प्रकार की सुविधाएं जो जिस प्रकार से वकीलों को मिलती हैं, तो उस प्रकार से देना चाह रहा था नूरे। लेकिन जैसे ही वो पंखे से हवा चलने लगा तो पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरा कह देते हैं जिसको अपने कचरा डालने का स्थान होता है ना गाँव में, तो वहाँ पर डाल दिया। अब आगे देखिए कि इसमें जब घूरे पर डाल दिया गया तो अब रहा महमूद का सिपाही। अब महमूद का सिपाही जो है, अब उसकी हालत देखिए कैसी हो गई है। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। अब ये चार्ज जो शब्द है ना, ये है अंग्रेजी का शब्द है, तो इसमें अधिकार कह सकते अपने कर्तव्य परायणता के लिए कहा गया ये। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। चिथड़े कहते हैं कि टुकड़े जो है कपड़ों के, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, क्योंकि तोतलापन छोटे बच्चे हैं, तुतलाते हुए बोल रहे हैं छोने वाले जागते रहो लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छुटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार मतलब कि टांग उनकी टूट जाती है, मिट्टी का तो था ही खिलौना वो। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। अब गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया सफल हुई। अब शल्य क्रिया जो है ऑपरेशन को कहते हैं, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब देखिए कैसी स्थिति हो गई है खिलौनों की। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब देखिए तोलने के लिए काम भी लिया जा रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है उस खिलौने का भी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब देखिए सभी बच्चों के खिलौनों के बारे में हो गया है, महमूद मोहसिन नूरे है ना, इन सभी के खिलौने का वर्णन हो गया। अब देखिए हामिद की जो हालत है वो देखिए। अब अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। अब आश्चर्यचकित होगी कि इसके हाथ में चिमटा कैसे, और पूछ रही है, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं एक दूसरे से, यह चिमटा कहाँ था।
अब कहाँ था का मतलब कि किसका है ये उससे संबंधित है। तो हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। तो अमीना कह रही कितने पैसे का लिया, कितने पैसे में। वो कहता है तीन पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। अब देखिए अमीना जो है उसकी दादी जो है वो छाती पीट लेती है, अर्थात अत्यंत दुखी होती है, कहती है देखो कितना बेसमझ लड़का है ये, दोपहर हो गई कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, भूखा ही है बेचारा, और लेके भी आया तो क्या चिमटा लेके आया, कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब फिर प्रश्न पूछ रही है हामिद से अमीना कि सारे मेले में क्या तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली क्या जो यह लोहे का चिमटा ही उठा लाया। तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। देखिए हामिद जो सहज भाव से अपराध, अब मान लो कि उसको उसने कोई अपराध कर दिया है चिमटा लाकर, तो अपराधी भाव से वो कह रहा है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना तो इसलिए मैंने उसे लिया है। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ मतलब थोड़ी देर के लिए रहता है, और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे। अब देखिए छोटा सा बालक, 4-5 साल का बालक है, तो उसने किस प्रकार से ये संयम रखा होगा कि सभी ने खिलौने लिए हैं कुछ खाया पिया है तो इसका मन भी तो ललचाया होगा, तो इसने इतना त्याग, ये सद्भाव, ये विवेक उसके मन में आया कैसे, तो इतना ये जब्त इससे हुआ कैसे, जब्त मतलब कि संयम जो इससे कैसे हुआ। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब अमीना जो थी पहले क्रोध करी थी, लेकिन अब बाद में उसका जो मन है ना अत्यंत गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, और वो कह रही कि वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी को ये याद करता रहा, वहाँ पे याद बनी रही। और अब एक विचित्र, बड़ी विचित्र बात हुई, अब विचित्र मतलब अद्भुत आश्चर्यजनक बात हुई कि हामिद के चिमटे से भी विचित्र, कि हामिद चिमटा लेके आया इससे भी बड़ी एक विचित्र अद्भुत बात हो गई। वो क्या हुई है देखिए, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है, बूढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अब बच्चा जो था हामिद बच्चा ही था, लेकिन उसने बूढ़े हामिद का पार्ट खेल दिया कैसे। अब देखिए उसने अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि अपनी दादी के बारे में सोचा है, और जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो उसी प्रकार से इस बच्चे ने अपनी बूढ़ी दादी के लिए सोचा है, तो इसलिए बूढ़े हामिद के रूप में इसको यहाँ पर बताया गया है, पार्ट खेल दिया और बूढ़िया अमीना जो बालिका अमीना बन गई है। अब बालिका के समान वो लग रही है कि बालिका का ध्यान रखा है उसने, वह रोने लगी। अब देखिए जिस प्रकार से बच्चे हैं ना अत्यंत खुशी में या आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, तो वैसे ही वह रोने लग जाती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब देखिए कि दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांग रही है और आंखों में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं अमीना के आंखों में से, और हामिद जो है वो इसका रहस्य क्या समझ पाता कि वो किस लिए रो रही है, और अपना आंचल फैलाकर, दामन का मतलब आंचल जो है फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांग रही है, तो वह इस रहस्य को क्या समझ पाता, क्योंकि वह इतना अधिक समझदार नहीं था। ये था हमारा अध्याय 12वां, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है ईदगाह, जिसका हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे के अध्याय भी हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो आज इसी के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।